26 नवंबर से प्रीपेड प्लान्स पर नई कीमतें लागू होंगी। यानी अब आपको एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड प्लान खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर पड़ी इस महंगाई की मार का असर जल्द ही रिलायंस जियो पर भी देखा जा सकता है और चर्चा है कि आने वाले समय में जियो के प्लान्स भी महंगे हो सकते हैं। आइए जानते एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बढ़े हुए प्लान्स की कीमत के बारे में डिटेल से। एयरटेल प्लान्स की नई कीमतें। 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान्स एयरटेल के प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है, जिसके बाद एयरटेल के 75 रुपए वाले प्लान को अब 99 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 149 रुपए वाले प्लान की कीमत बढ़कर 179 रुपए हो गई है, जबकि 219 रुपए वाला प्लान अब महंगा होकर 265 रुपए का हो गया है। वहीं 249 रुपए वाले प्लान की कीमत बढ़कर 298 रुपए हो गई है। इसके अलावा 299 रुपए वाले प्लान के लिए यूजर्स को 359 रुपए चुकाने होंगे। 56 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान एयरटेल का 399 रुपए वाला प्लान अब महंगा होकर 479 रुपए का हो गया है, जबकि 449 रुपए वाले प्लान के लिए अब यूजर्स को 549 रुपए की कीमत चुकानी होगी। 84 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान एयरटेल के 455 रुपए वाले प्लान की कीमत आज से 598 रुपए हो गई है, जबकि 598 रुपए वाले प्लान के लिए आपको 719 रुपए की कीमत चुकानी होगी। वहीं 698 रुपए वाले प्लान की कीमत बढ़कर 839 रुपए कर दी गई है। वोडाफोन आइडिया प्लान्स की नई कीमतें। 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान वोडाफोन आइडिया ने अब अपने सबसे सस्ते 75 रुपए वाले प्लान की कीमत को बढ़ाकर 99 रुपए कर दिया है। वहीं 149 रुपए वाला आज से 179 रुपए में उपलब्ध होगा, जबकि 219 रुपए वाले प्लान की कीमत 269 रुपए और 249 रुपए वाले प्लान की कीमत 299 रुपए हो गई है। इसके अलावा 299 रुपए वाले प्लान की कीमत बढ़कर 359 रुपए हो गई है। 56 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान वोडाफोन आइडिया का 399 रुपए वाला प्लान अब 479 रुपए का हो गया है। वहीं 449 रुपए वाले प्लान की कीमत बढ़कर 539 रुपए हो गई है। वहीं 56 दिनों की वैलिडिटी वाले 351 रुपए के डाटा वाउचर के लिए यूजर्स को 418 रुपए खर्च करने होंगे।